Hey guys, welcome back to Roshnara's World. So guys, आज के वीडियो में we will be discussing about off-campus recruitment from Cognizant. जी हाँ, तो Cognizant की तरफ से IT programmer analyst trainee की जो प्रोफाइल है उसके लिए काफी सारी वैकेंसीज आई हैं which is across India. Then ये वाली वैकेंसी जो है this is for both freshers and experience. ठीक है, and ये वैकेंसी जो है specially you will be going through AMCAT, जो कि AMCAT इसको के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द वेबसाइट, वहीं पे सारी चीजें चेक करते हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी एंड स्किल्स रिक्वायर्ड है. जल्दी से चलिए. सो गाइज, हम आ गए हैं वेबसाइट पे AMCAT के. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉग्निजेंट RPA स्किल्स हायरिंग जो है चल रही है. लेट्स मूव ऑन टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो आप यहाँ देख सकते हैं 2020 बैच ऑफ BE, BTech, ME, MTech, MCA, देन MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो भी 5 ईयर्स का कोर्स होता है आपका डिग्री, सिर्फ वही स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा आपको यहाँ पे अकेडमिक्स में मिनिमम 60% जो है 10th या 12th एंड डिप्लोमा, PG या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएट है, जो आपका ग्रेजुएशन कर रखी है दैट शुड बी 60% होना ही चाहिए जो भी सब्जेक्ट आपने किया है. तो जो आपका यहाँ पे एग्रीगेट सम वो लाइक सेमेस्टर वाइज कैसे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है उसका भी यहाँ पे मैंशन है कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे अपना स्कोर. देन कोई आपका अरियर नहीं होना चाहिए करंट एजुकेशन में, मैक्सिमम 2 ईयर्स का गैप हो सकता है, कंसिडर कर लेंगे ये लोग 2 ईयर्स का गैप. एंड ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका मिनिमम 60% होना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपका वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा. अच्छा, किसी स्टूडेंट ने अगर रीवैल्यूएशन या फिर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसका जो पहले रिजल्ट, इनिशियल रिजल्ट जो डिक्लेयर है वो वाला कंसिडर होगा, ठीक है, नहीं तो अगर बाद में आ गया वो वाला कंसिडर होगा, ठीक है. आपका यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो भी CGPA परसेंटेज कैलकुलेशन है वो आप यहाँ पे 60% होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन ऑब्वियसली होना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज आप कॉग्निजेंट के लिए अप्लाई करने वाले हैं एंड यस इंडियंस ही यहाँ पे लाइक एप्लीकेबल होंगे. रीलोकेट करने के लिए आप फ्लेक्सिबल रहिए, बिकॉज कहीं पे भी आपकी डे नाइट शिफ्ट हो सकती है, ठीक है, एंड अक्रॉस इंडिया है तो कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है. डेजिग्नेशन जैसे कि मैंने बताया IT प्रोग्रामर एनालिस्ट है ट्रेनी की प्रोफाइल विच इज बेसिक. आपका जो यहाँ पे कॉम्पनसेशन जो रहेगा वो 4 लाख्स एंड इनिशियल 4 लाख्स विच इज लाइक फ्रेशर्स के लिए भी इट्स अ वेरी गुड यू नो अमाउंट. देन आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा विच इज वर्चुअल इंटरव्यू होगा, ठीक है. आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन वर्चुअल इंटरव्यू ऑफ कॉग्निजेंट, आई ट्राई, ठीक है. तो ये दो ही आपके होंगे, इसके बाद आपका सिलेक्शन इन दोनों राउंड्स के बेसिस पे होगा. अब आते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड या जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है. तो आप बेसिकली स्किल्स रिक्वायर्ड देखिए, मैंने यहाँ पे नोट किया कि यहाँ पे 11 स्किल्स हैं टोटली, ठीक है, लाइक पाइथन, .NET, एंगुलर JS, ठीक है, ऑटोमेशन, एनीवेयर, ये सब जो भी है आपको ब्लू प्रिज्म, इतने सारे 11 हैं टोटल आप देख सकते हैं. बट एक चीज और मेंशन है यहाँ पे नीचे आएंगे तो ओनली कैंडिडेट इज लिस्टेड अबव स्किल सेट्स आर एलिजिबल टू रजिस्टर, तो ये सारे आने चाहिए. बट आई डोंट थिंक सो कि 11 के 11 स्किल्स किसी को सबको आते होंगे, बट यस मैक्सिमम 50% अबव स्किल्स, तो एटलीस्ट 5-6 स्किल्स आपको यहाँ पे जो भी मेंशन है लिस्ट में वो आने ही चाहिए. तो आप ये गो थ्रू कर सकते हैं, नॉट गेट इनटू डिटेल्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइक पाइथन में आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए या .NET में आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, वो आपको के आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू अप्लाई. यहाँ पे क्लिक है टू फिल द फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको एक बेसिक सा फॉर्म आ जाएगा. नाउ आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये फॉर्म आपका करेक्टली फिल्ड हो, कोई भी मिस्टेक मत करना यार, क्योंकि आप फिर बाद में पूछते हैं कि लाइक ये करेक्शन कैसे होगा, बिकॉज करेक्शन फिर नहीं पॉसिबल होते हैं. तो आप जितने भी रेड मार्क हैं यहाँ पे वो आप क्लियरली यहाँ पे सारी मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो आप यहाँ पे फिल कर लिए. इसके बाद यहाँ पे जो परसेंटेजेस वगैरह है वो भी क्लियरली अच्छे से मेंशन करना, करेक्ट, ठीक है. इसके बाद आपको प्रेफर्ड लोकेशन यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, लाइक इन ये लिस्ट है इनमें से चूज करना पड़ेगा. एंड देन आर यू लाइक फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स वर्किंग टाइमिंग, लोकेशन, टेक्नोलॉजी, ये इन सब में फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको, लाइक वर्क टाइमिंग, लोकेशन, कहीं पे भी पोस्टिंग होती है कि कोई भी लाइक टाइमिंग होती है यू हैव टू बी कंफर्टेबल विद इट, ठीक है. तो यहाँ पे अगर तो यस करिए, नो करेंगे तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं ऑब्वियसली, ठीक है. अगर गैप है तो वो सारी चीजें मेंशन करिए, देन आप रिज्यूमे अपलोड करिए. रिज्यूमे आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर स्किल सेट्स, बिकॉज स्किल सेट्स के हिसाब से आपका वहां पे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस होते हैं. जो भी मैंने अभी आपको स्किल सेट्स दिखाए, कोशिश करिए कि उन्हीं स्किल सेट्स को आप रिज्यूमे में ऐड भी करें. सो आप बेसिक सा फॉर्म है आप गो थ्रू करिए, ठीक है. आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई चैलेंज आएगा. आप मैंने आपको बेसिक वाली चीज, यहाँ जो चीजें थी 2-3 वो मैंने आपको कंफर्ट
कंफर्म करती है. कोई डाउट होता है गाइस डू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन. सो फाइनली गाइस आप लोगों ने देखा एएम कैट के थ्रू कॉग्निजेंट की हायरिंग चल रही है. सो अप्लाई फॉर इट एंड यस डू शेयर विद योर फ्रेंड्स बिकॉज फ्रेशर्स की वैकेंसी है एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी. ठीक है तो कोई डाउट होता है डू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड कलर बटन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे. बी सेफ. टेक केयर. बाय.